मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता तो आ गई है। अलीराजपुर जिले की दो में से एक सीट कांग्रेस के पास है और एक बीजेपी के पास है। जोबट से विशाल रावत चुनाव हार गए, 38,000 वोटों के अंतर से सेना महेश पटेल ने उन्हें हरा दिया। और जो वजह थी उनमें एक प्रमुख वजह बने माधो सिंह डाबर और उनके वो तमाम समर्थक जो कि अभी तक बीजेपी के कई महत्वपूर्ण पदों पर बैठे थे, पदाधिकारी थे। ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि प्रदेश में सरकार तो बीजेपी की है, ऐसे में जोबट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की लीडरशिप किसके पास होगी? कार्यकर्ता अपने काम के लिए या आम लोग किसके पास जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब मिले उसके पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है सांसद गुमान सिंह डामोर का। इस वीडियो में कई नेता और पदाधिकारी खड़े हैं और वीडियो में गुमान सिंह डामोर अब ये कह रहे हैं कि आज से विधायक के तमाम अधिकार विशाल रावत के पास होंगे, चाहे थाने का हो चाहे रेवेन्यू का, और उनके पास जाकर आप काम करा सकते हैं। तो ये वीडियो तेजी से वायरल है और इस वीडियो के जरिए, पहले तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। विधायक के अधिकार विशाल भाई के पास रहेंगे, चाहे वो थाने का काम हो, चाहे वो रेवेन्यू का काम हो, चाहे वो किसी भी विभाग का काम हो, पूरी तरीके से विशाल आपके सब काम करेंगे और मैं आपके साथ और विशाल के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ। किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। एक समय की बात है कि आज हम लोग मतों की दौड़ में थोड़े से पीछे रह गए, परंतु जिस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत करके और जो प्रदर्शन किया है वो बहुत तारीफ़ काबिल है। मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही कम समय में, मुश्किल से 15-20 दिन का समय मिला है, 10 दिन का समय, इस 10 दिन के समय में आपने जो कमाल करके दिखाया है वो तारीफ़ काबिल है। तो आपने सांसद गुमान सिंह डामोर के इस बयान को सुना जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि विधायक के तमाम अधिकार विशाल रावत के पास होंगे, थाना हो रेवेन्यू हो तमाम। इस तरीके से उन्होंने सांसद की ओर से तो विधायक के राइट्स सारे दे दिए। विधायक के राइट्स से मतलब है कि सत्ता आखिर किसकी सुने, प्रशासन आखिर किसकी सुने। कार्यकर्ताओं और जनता को इस वीडियो के जरिए उन्होंने संदेश देने की कोशिश की। अब आपको इसी वीडियो का एक दूसरा हिस्सा सुनाते हैं। दरअसल इस हार के बाद विशाल रावत और उनके समर्थकों में माधो सिंह डाबर और उनके समर्थकों को लेकर बहुत नाराजगी है, और चूंकि प्रदेश में सरकार बीजेपी की बन गई है तो विशाल रावत और उनके समर्थकों को लगता है कि माधो सिंह डाबर और उनके समर्थक जल्दी ही बीजेपी में वापसी करना चाहेंगे और बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हो सकता है कि उनको वापस ले ले। इसी को लेकर उनका कड़ा विरोध किया जा रहा था और इसी कड़े विरोध के बीच में सांसद गुमान सिंह डामोर ने ये बयान भी दिया कि जिन लोगों ने पार्टी से बगावत की है, गद्दारी की है, उनको वापस नहीं लिया जाएगा। उनका ये बयान सुनिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने धोखा दिया है, गद्दारी की है, वो अब वापस भारतीय जनता पार्टी में नहीं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के हरेक कार्यकर्ता का सही मान सम्मान होगा। जो पहले भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई थी 2-4 लोगों में, अब हमारा हर कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी है, इतना कहकर मैं। तो आपने सांसद गुमान सिंह डामोर के इस वीडियो को सुना, वायरल वीडियो को सुना। क्या आप भी यही सोचते हैं जो सांसद गुमान सिंह डामोर सोचते हैं? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए।